तो फर्स्ट वीडियोस में जो हम लोग देखे थे कि बूटस्ट्रैप को सिंपल डिजाइन जो बूटस्ट्रैप का था उसको किस तरह से कस्टमाइज किए, तो हम लोगों का हो गया। अगर कुछ इसमें दिक्कत हुआ होगा तो बताना जरूर। अब हम लोग सेकेंड में क्या करना है कि लॉगिन के बाद ये किस तरह से दिखेगा, क्योंकि यूजर जब लॉगिन करेगा तो उनको तो लॉगिन साइनअप नहीं दिखेगा, यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा, तो कैसा दिखेगा वो। पहले कोड एडिटर में हम लोग जाते हैं और ये जो हम लोग पिछला वीडियो में बनाए थे उसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देते हैं लगभग 3 और पेस्ट कर देते हैं, मतलब वही डिजाइन हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं। अब इसमें हमको क्या नहीं चाहिए, ये 2 बटन नहीं चाहिए, बस डिलीट कर दो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन, तो बूटस्ट्रैप में जाके ड्रॉप डाउन में जाते हैं और यहाँ से हम लोग एक ड्रॉप डाउन उठा लेते हैं, ये ड्रॉप डाउन उठा लिए, पेस्ट किए, यहाँ पे कैसा दिख रहा है ऐसा। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, पहला तो चाहिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स, यानी यहाँ पे चाहिए इमेज IMG टैग, और एक डमी प्रोफाइल हम लोग कहीं से ले लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि इमेज जो है यहाँ से रैंडम इमेज से उठाते हैं, तो इसको लगा देते हैं, इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे जाके लगा दिए, तो अब हम लोगों को ये दिख रहा है। अब ये जो बैकग्राउंड में आ रहा है ये बटन वाला इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए, ये बटन का पूरा क्लास हटा देते हैं। और ये ड्रॉप डाउन जो टॉगल्स आ रहा है ये आ रहा है, ये एरो, अगर एरो भी नहीं चाहिए तो हम इस एरो को भी हटा सकते हैं, ये एरो रिमूव हो गया। अब रिमूव हो गया तो ऐसा नहीं कि ड्रॉप डाउन काम नहीं करेगा, ड्रॉप डाउन फुल्ली काम करेगा, लेकिन फिलहाल एरो तो रखते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब इस इमेज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पे दे देते हैं क्लास नेम, इसका नाम रहेगा नेब प्रोफाइल, ठीक है। अब नेब नेब प्रोफाइल के अंदर क्या है, इमेज, तो इसके अंदर जो इमेज है उसका विथ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, देखते हैं कैसा लग रहा है, नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, अब हम लोग ये जानेंगे। अच्छा काम तो कर गया, डर गया है। इसका बॉर्डर रिड्यूस 50% कर देते हैं ताकि ये सर्कल में हमको दिखे जो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब ये बटन, बटन का हमको ना बैकग्राउंड चाहिए ना बॉर्डर चाहिए, तो क्यों क्यों रखें हम लोग, तो नेव बार प्रोफाइल का जो बटन है, नेव बार प्रोफाइल का जो बटन है उसका बैकग्राउंड अनसेट, बॉर्डर अनसेट नहीं चाहिए, ये हटा गया। तो अब हम लोग के साथ दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ पे मेन्यू जो है राइट साइड में छिप जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये जो इसका प्रोफाइल है प्रोफाइल के लेफ्ट साइड से दिखे, तो यहाँ पे हम लोग को लगाना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू इंड। अब देखो क्या हुआ कि ये हमारा इधर आ रहा है, सबसे पहले काम करते हैं ये जो एरो दिख रहा है उस एरो को हम लोग फिक्स करते हैं, तो बूटस्ट्रैप का हम लोग देख लेते हैं कि एरो में क्या लगाया क्लास, यहाँ पे ड्रॉप डाउन टॉगल का आफ्टर, आफ्टर का इसका कलर होना चाहिए वाइट, वाइट हो गया, लेकिन व्हाइट थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा है, तो ये वाला कलर हम लोग लगाते हैं जो पिछले हम लोग यूज करते थे, ये वाला कलर, ये कलर लगाते हैं, लेकिन ये
अब हम लोग टॉगल में लगा दिए हैं डायरेक्ट, तो अगर अगला हम लोग ड्रॉप डाउन फिर से लेंगे बूटस्ट्रैप का, तो उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लगाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, नए बार प्रोफाइल का ड्रॉप डाउन टॉगल का आफ्टर में लगेगा। अब ये सही लग रहा है, अब ये ड्रॉप डाउन का काम करना हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे भी इसमें थोड़ा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो हम लोगों को चाहिए कि नेव नेव प्रोफाइल का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसका चेंज क्या करना है मुझे, ए, हाँ, उसका LI का ए, इसका कलर हम लोग व्हाइट रखते हैं, व्हाइट होंगे, लेकिन कुछ ज्यादा ही व्हाइट है, ये वाला व्हाइट हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पिछले बार लिए थे ये वाला कलर LI का ए कलर, वही कलर को हम लोग पेस्ट कर देते हैं ये। तो ये अब इसके होवर पे हम लोग को ये वाला कलर चाहिए, तो जब हम लोग होवर करेंगे तो हमारा ये कलर होगा, लेकिन ये डायरेक्ट भी क्योंकि होवर लगाना होगा ना भाई मेरे को, यहाँ पे होवर, अब क्या हुआ, होवर में दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या सेटिंग चाहिए, पहले तो लिए थे प्रोफाइल अपडेट, पहला मुझे चाहिए प्रोफाइल, दूसरा सेटिंग्स, तीसरा लॉग आउट, ठीक है, ये हमारे ये हो गया है। अब अगर यहाँ डैशबोर्ड का बटन देना चाहते हैं, एक यहाँ भी डैशबोर्ड कर देते हैं, डैशबोर्ड, और एक बटन हम लोग जो पहले बनाए थे यहीं से उठा लेते हैं, ये लॉगिन वाला बटन बनाया था ना, वहीं से हम लोग उठा के स्पैन के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पे भी लगा देते हैं डैश बोर्ड। अब ये क्या हो, ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होगा कि स्पैन के अंदर एक क्लास यूज करना होगा जिसमें लिखते हैं कि प्रोफाइल एरिया, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा सीएसएस लगाना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, बस आपका काम हो गया है, क्लियर है, ये आपका बन के रेडी। अच्छा यहाँ पे हम लोग एक्टिव वाला भूल गए थे ना पिछले क्लास में, तो ये एक्टिव हम लोग लगा ही देते हैं कि अगर कोई मेन्यू, हाँ इसी में लगाते हैं, इसे क्या दिक्कत है, होम होम को एक्टिव करें, होम को एक्टिव करते हैं यहाँ पे एक्टिव, लेकिन एक्टिव नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक्टिव में ब्लैक दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पिछले वाला ही सीएसएस है, इसमें नेव बार का, न्यू नेव बार का, नेव बार नेव का, LI का, LI का जो ए है वो एक्टिव है, तो इसका कलर यही रहेगा, तो देखो एक्टिव का कलर ये हो गया है। अब अगर एक्टिव हम लोग लगाते हैं कॉन्टेक्ट अस में, तो एक्टिव कॉन्टेक्ट अस में लगाए एक्टिव, तो ये हमारा नेबर का पूरा कंप्लीट खत्म हो गया है, ठीक है। अगर जिन लोगों को HTML CSS का पूरा कोड चाहिए तो नीचे कमेंट करो, हम HTML CSS का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ओके।